यह सिर्फ एक ऑटो नहीं है, बनारस में बहुत से ऑटो हैं जिन पर आदित्य ट्यूशन ब्यूरो के विज्ञापन है। यह महज एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। और क्या यह ऑटो वाला विज्ञापन देने के लिए अथोराइज्ड है? क्या शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि जो ऑटो सवारी ढोने के लिए बनारस में चल रहा है, और यह ऑटो कितने क्षेत्रों में सवारी ढोने के लिए परमिटेड है? यह सब बातें जांच का विषय हैं। और साथ ही साथ क्या यह ऑटो आदित्य ट्यूशन ब्यूरो का विज्ञापन देने के लिए परमिटेड है? और अगर नहीं तो भाई इसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? सरकारी खजाने में बोझ बढ़ रहा है, सरकारी खजाना घाटे में है, यह बात हम आए दिन सुनते रहते हैं। पर इस तरह से सरकारी खजाने में सेंध लगाने वाले चूहे जो छोटे छोटे सुराख करते रहते हैं पर बहुत बड़ी संख्या में, तो ये छोटे छोटे चूहे छोटे छोटे छेद करके खजाने का तो बैंड बजा रहे हैं। अगर शासन प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचता है तो इस ऑटो के खिलाफ और इसके ब्यूरो गणेश गुप्ता ब्यूरो के मालिक गणेश गुप्ता D65/269 लहरतारा वाराणसी के खिलाफ कार्रवाई करने का कष्ट करें।